नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें हम लेकर के आए हैं नीति निर्देशक तत्वों के साथ मौलिक कर्तव्यों को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसे मौलिक कर्तव्य के साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। एक साथ आपको 25 प्रश्न इस तरीके से आपको नहीं देखने को मिलेंगे नीति निर्देशक तत्वों के साथ मौलिक कर्तव्य को, जैसे मैं संग्रह आपको बता रहा हूँ। इस तरह का नॉर्मल में आपको किसी जल्दी नहीं मिलेगा। बाकी इससे जैसे मैंने कल जो मैंने आपके सामने टेस्ट लेकर के आया था वो था, हम देखेंगे तो वो था मौलिक अधिकार के बारे में। बाकी मैं कल का टॉपिक बता दूं, कल मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी की तरफ आऊँगा। कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विश्व की नदियाँ। आप लोग टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, कल का टॉपिक विश्व की नदियाँ हैं और विश्व की नदियों से संबंधित आप लोग प्रश्न पढ़िएगा। उसके आगे की स्ट्रेटजी आपके आगे बताई जाएगी और कुछ ही दिनों में आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर जो मैं हिस्ट्री चला रहा था वो कंटिन्यू की जाएगी। तो व्हाइट बोर्ड पर हिस्ट्री जल्दी से जल्द उसकी शुरुआत की जाएगी, अगले हफ्ते से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो मैंने मैसूर में हिस्ट्री पे रोका हुआ था, उसके आगे के जो वीडियो आएंगे बाकी केमिस्ट्री वगैरह जितने भी जो भी चल रहा था सीरीज वो सब कंटिन्यू आगे चलेंगी। तो आइए देखते हैं, भारतीय संविधान की हम बात करेंगे तो इसमें नीति निर्देशक तत्व मौलिक कर्तव्य की बात की जा रही है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एक से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर एक देखिए, निम्न में कौन सुमेलित है, ये आपको बताना है कौन सुमेलित है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50, पर्यावरण का संरक्षण आर्टिकल 48A या 48 का, बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर एक आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर अगर जो हम एक की बात करेंगे तो इसमें इसका ऑप्शन सी वाला सही है, पहला और दूसरा दोनों। इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में दिया गया, पर्यावरण संरक्षण आर्टिकल 48A है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है कौन सा कथन सही इसमें पूछा जा रहा है। मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नहीं। दूसरा है, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है जबकि नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर टू का आप लोग उत्तर दीजिए। 5 से 10 सेकंड हर एक क्वेश्चन पे आपको मौका मिलेगा, आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर टू को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर टू में हम देखेंगे तो मूल अधिकारों को, हाँ, आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, तो ये बात सही है कुछ अपवादों को छोड़ करके। बाकी क्वेश्चन नंबर टू में पहला वाला जो है मूल अधिकारों को स्थगित किया, लेकिन जबकि नीति निर्देशक तत्वों को स्थगित नहीं किया जा सकता है, ऐसे पहला वाला क्या हो गया वो तो सही हो गया। दूसरा है, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, अगर जो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो न्यायालय उसको लागू करवा सकती है, तो ये प्रवर्तनीय है न्यायालय द्वारा, लेकिन नीति निर्देशक तत्व अगर जो लागू नहीं हो रहे हैं तो उसको न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब वो अप्रवर्तनीय, उनको लागू नहीं कराया जा सकता। वो राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो उनको लागू करें या ना करें। क्वेश्चन नंबर टू का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करेंगे, निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है, आपको बताना है, तो आप लोग बताइए। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री की अगर जो हम बात करेंगे तो इसमें डी वाला इसका सही हो जाएगा। देखिए, राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध जो है ये नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है, मौलिक अधिकार है। ये क्वेश्चन मतलब देखेंगे आर्टिकल 16 में इसकी बात की गई है। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्व तो हैं, आपको बताना है, तो आप बताइए। नागरिकों को रोजगार देना, दूसरा है लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना। बताइए कौन सा सही है, मतलब क्वेश्चन नंबर फोर का आपको उत्तर देना है। तो अगर जो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर की अगर जो हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर में अगर जो हम देखेंगे तो ये दिखता है ये कि नागरिकों को रोजगार देना ये नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है। नागरिकों को रोजगार देने की बात कहीं नहीं कही गई,
लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना है, लोगों का कल्याण के लिए लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका बी सही है, केवल 2। आर्टिकल 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि दी गई है, आर्टिकल 4 का जो है वो बी सही है। कोई आर्टिकल मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का जो है बी सही, सॉरी मैं आर्टिकल बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे, निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायत राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, बताइए। नॉर्मल प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 का सी सही है, नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 40 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे, निम्न किस समिति की सिफारिश पर संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है इनमें से कोई नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी सही। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सी सही है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्व है, आर्टिकल 49 में ऐसा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएंगे, निम्न में से किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है और एक दूसरे के लिए त्याग नहीं किया जा सकता है, मतलब एक को दूसरे के लिए त्याग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका बी सही है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद। इसमें अगर जब देखेंगे तो दोनों के बीच में सामंजस्य तालमेल बनाने की बात की गई थी, एक पैरेलल में, मतलब कहने का मतलब यही है कि एक दोनों को लगभग समान तरीके से बात की गई थी, मतलब कि अगर जो नीति निर्देशक तत्व हैं तो उसकी जगह पे मौलिक अधिकारों को वरीयता नहीं दी जा सकती, इस तरीके की बातें उसमें की गई थी दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने की। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ आएंगे, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख किया गया है, किसमें? इसका उत्तर जो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का उसी सही है, नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 51 में ऐसी बातें कही गई, आप पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का हो गया है सी। क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा रूस के संविधान से ली गई है, दूसरा है मौलिक कर्तव्य आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, बताइए कौन सही है कौन गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो हम बात करेंगे, नीति निर्देशक तत्व तो जो आयरलैंड से लिए गए पहला तथ्य गलत है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 का डी सही है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आएंगे, नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो बी सही है, देश में आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना
यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो भी सही है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि नीति निदेशक तत्व जो आप देखेंगे तो कह सकते थे कि सबको एक तरीके से बात की गई है, मतलब एक सबको एक लेवल पे सबको लाने की बात कही जा रही है। अब देखेंगे तो गरीबों को लेकर के लोक कल्याणकारी राज्य की भी बात की गई, गरीबों के लिए भी बात की गई, कुटीर उद्योगों की भी बात की गई, हर तरीके से सबको पंचायती राज की बात की गई है। सबको क्या किया गया है कि एक लेवल पे सबको लाने की बात कही जा रही है। इसमें आर्थिक लोक मतलब जो आर्थिक असमानता है उसको दूर करने की बात की गई है, बाकी सामाजिक स्तर पर भी सुधार की बातें इसमें कही गई हैं, SC ST को लेकर के हो, अन्य तरीके की बातें भी इसमें कही गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो भी सही हो जाएगा, देश में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्वेश्चन 12 है, संविधान सभा में नीति निदेशक तत्वों को आर्थिक प्रजातंत्र की संज्ञा किसने दी थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो सी सही है, डॉक्टर B R अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 12 का सी सही है, डॉक्टर B R अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आएंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व तो किसे दिशा निर्देशित करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 13 को देखेंगे तो इसका ए सही हो जाएगा, राज्यों को, क्योंकि जहाँ नीति निदेशक तत्व तो जो हैं उनकी में बातें की गई हैं, यही बातें हैं कि जब कोई राज्य अपना कानून वगैरह या कोई योजना वगैरह लेकर के आती है तो वो इन नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए उन योजनाओं को लागू किया जाए, इनको ध्यान में रखा जाए, तो ये राज्यों को कह सकते थे निर्देशित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ए सही है। क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन सा नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया, बताइए। क्वेश्चन 14 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 14 का सी सही है, मुक्त या कह सकते हैं निशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया, और ये आर्टिकल 39A में आप देखेंगे तो इसका जिक्र मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। फिर क्वेश्चन 15 का मतलब दूसरा वाला ऑप्शन है, 84वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, बताइए कौन सा सही कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग उत्तर दीजिए। सर क्वेश्चन 15 का उत्तर देना आपको, क्वेश्चन 14 नहीं 15 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 15 में देखेंगे तो 42वें संविधान संशोधन मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, सही है, और उसमें जो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है उसमें बताया गया कि माता पिता का दायित्व तो है कि अपने बच्चों को शिक्षा वगैरह या स्कूल भेजें उनको, क्वेश्चन नंबर 15 का। लेकिन ये 84वें संविधान संशोधन नहीं है, 86वां संविधान संशोधन है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो बी वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, तो कौन सा सही है बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो ए सही है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ आएंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व तो बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर दे एक चेक की तरह है, यह कथन किसका है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही सही है, केटी शाह। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन नीति निदेशक तत्वों के संबंध में सत्य है, बताइए। पुरुष एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, पर्यावरण संरक्षण, बताइए।
क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग उत्तर दीजिए। देखो गांधी जी आप देखेंगे तो ग्राम पंचायतों को संगठित करना इस क्षेत्र में भी उनका योगदान था, मतलब गांधीवादी विचारधारा है। बाकी आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग भी, दोनों बातें जो है इनमें सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर हम उसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, देखिए क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, भारत के लोक कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है कहाँ? पहला दिया है संविधान की प्रस्तावना, दूसरा है नीति निर्देशक तत्व, तो बताइए कौन सही कौन गलत है। क्वेश्चन 19 का जो है वो सी सही है, संविधान की प्रस्तावना नीति निर्देशक तत्व, तो दोनों में आप देखेंगे तो कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, न्यू में से किस राज्य में समान आचार संहिता लागू है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन 20 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 20 का जो है वो सी सही है, गोवा। 21 की तरफ आएंगे, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व तो न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, मतलब किस अनुच्छेद में ऐसी बातें कही गई कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे नीति निर्देशक तत्व, तो आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का बी सही है, आर्टिकल 37 में बात की गई है। बाकी कल का टेस्ट में बता दूं, जैसे मैंने बताया विश्व की नदियां आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, वर्ल्ड ज्योग्राफी का थोड़ा सा और स्टार्ट किया जाए। मैं देख रहा हूं कि लोगों का जो देखने का जो धैर्य है वो जवाब दे रहा है, और कई लोग कमेंट भी किए थे कि थोड़ा सा ज्योग्राफी को स्टार्ट किया जाए, ऐसी बातें कही गई थी। खैर इंपॉर्टेंट सभी सब्जेक्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूँकि आइए ज्योग्राफी को एक दौर में फिर से लेके चला जाए, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के इससे रिलेटेड टॉपिक रहेंगे। तो इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे तो विश्व की नदियाँ हैं पहला टॉपिक मैं शुरू करूंगा, फिर हम महाद्वीप पे आएंगे, महासागरों पे भी आएंगे, पर्वत पठार झील झरना जितना भी है सब कुछ आपके सामने लाया जाएगा, तो आप लोग रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का बी सही है, आर्टिकल 37। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सुमेलित सही सुमेलित है आपको बताना है, बताइए। इसमें दिया गया है पोषाहार एवं लोक स्वास्थ्य की व्यवस्था, आर्टिकल 46। फिर इसके बाद में लिखा है बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपबंध, आर्टिकल 44D, बताइए। तो देखिए पोषाहार एवं लोक स्वास्थ्य की व्यवस्था आर्टिकल 46 नहीं 47 है, पहला तो तथ्य गलत हो गया। दूसरा बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का उपबंध 44D देखिए गलत है, पहले आर्टिकल 45 में हुआ करता था लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 21A में। तो ये जो 40 क्वेश्चन नंबर 22 का डी सही है, इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है आपको बताना है, मद्य निषेध आर्टिकल 47 और काम पाने का अधिकार आर्टिकल 41, बताइए कौन सुमेलित सही सुमेलित है बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का बी सही है, पहला और दूसरा दोनों सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आएंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंध में
कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, ट्वेंटी फोर का जो है वो ये सही है, आर्टिकल 43 का ये सुमेलित है, मतलब सही, मतलब इसका उत्तर जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का ए, आर्टिकल 43 का ए। आएंगे हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको भी छुट्टी देते हैं। प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? प्रसूति सहायता की बात करेंगे तो आर्टिकल 42 में इसके बारे में बात की गई है। जैसे आप जान रहे हैं कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस टाइम पे आप देखेंगे तो पैसे वगैरह भी मिलते हैं, गवर्नमेंट की स्कीमें देखें तो जननी सुरक्षा योजना और भी बहुत सारी स्कीमें वगैरह, ऐसी स्कीमें सरकार इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए की गई है। आर्टिकल 20 मतलब क्वेश्चन में 25 का बी सही, आर्टिकल 42 है। तो मिलेंगे कल के टेस्ट में, आज का टेस्ट यहीं पर ख़त्म हुआ, कल का जो टेस्ट होगा वो हम देखेंगे, कल के टेस्ट की जो बात करेंगे वो आने वाला है विश्व की नदियाँ, आप लोग पढ़िएगा। बाकी मैंने कल कुछ वैकेंसीज़ की बात की थी कि क्या हालत है, ये सिर्फ बात सिर्फ उन वैकेंसीज़ की नहीं, और भी ढेरों वैकेंसीज ऐसी हैं जिनमें देखेंगे तो मामले लंबित चलते चले आ रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर आप शिक्षक भर्ती ले लीजिए, 69,000 के आसपास कुछ शिक्षकों की वैकेंसी निकली पिछले, मतलब 2018 के लास्ट में निकली थी और 19 में एग्ज़ाम हुआ शुरुआत में जनवरी में, तो सिचुएशन यही कि अभी भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, वो भी लोग परेशान हैं। तो देखेंगे सिचुएशन यही है कि काफ़ी लंबी ड्यूरेशन चली जाती है, नौकरियों का हाल बहुत बुरा है। बाकी रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे में एनटीपीसी की वैकेंसी आई, और पिछले साल वैकेंसी आई थी मुझे लग रहा है, शुरुआत में आई थी वैकेंसी, और एग्ज़ाम तो खैर अभी भी नहीं हुआ है, उसमें शायद चरणों में परीक्षा होना है लेवल 1 लेवल 2 की तरह, तो वो भी अभी क्या हुआ रेलवे में स्थिति यह है कि वो एक भी चरण नहीं करा पाया है, रेलवे की स्थिति यही है। बाकी रेलवे में और भी देखेंगे तो ग्रुप डी वगैरह की वैकेंसी वगैरह किसी का एग्ज़ाम वगैरह नहीं हो पाया, कुछ की ज्वाइनिंग जो पहले थे उनकी हुई, लोको पायलट वाले देख लीजिए उनकी भी जो ज्वाइनिंग थी कुछ की नहीं हो पाई। तो ऐसी है कहानी का मतलब, आज की रेलवे की स्थिति यही है कि मुंबई से निकली हुई ट्रेन जिसको गोरखपुर जाना था राउरकेला पहुँच जा रही है, तो रेलवे की स्थिति इस समय क्या हो रही, थोड़ा सा सोचनीय स्थिति बनी हुई रेलवे की। खैर रेलवे की क्या स्थिति है उसमें मुझे ज़्यादा नहीं जाना है, कहने का मतलब यही कि यूपी में, यूपी क्या मतलब ऑल ओवर, चाहे बिहार ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, पश्चिम बंगाल ले लीजिए, कहीं की भी आप बिहार ले लीजिए, हर राज्य में राजस्थान ले लीजिए, हर राज्य की स्थिति यही है कि वहाँ पर वैकेंसीज को जो रेगुलरिटी, कहने का मतलब स्टेट लेवल की जितनी वैकेंसी आती हैं वो आती तो हैं लेकिन कितने दिनों में भरी जाएंगी ये उन स्टेट की इच्छा पर निर्भर करता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलेंगे नए टॉपिक में, जो मेरा जो कल का टॉपिक होगा वो हम लेकर के आएंगे, जैसा मैंने बताया विश्व की नदियाँ, पढ़ने के लिए रेडी रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।